दोस्तों बिहार में जितिया व्रत की पूजा कैसे करी जाती है वही आज मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा रही हूँ। और दोस्तों बिहार में जितिया व्रत की पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से करी जाती है। और पूजा करने के लिए जहाँ पर मतलब कि आपको पूजा करनी है उस जगह की अच्छी तरह से साफ़ सफाई करनी चाहिए, गंगा जल छिड़क देने चाहिए। उसके बाद हल्दी से चौक बनाना चाहिए, क्योंकि जब हम जहाँ पर पूजा करते हैं वहाँ पर डायरेक्ट हम ज़मीन पर पूजा नहीं करते, तो चौक बनाना शुभ होता है, तो चौक बना लेने चाहिए। और ये जो पूजा होती है बिल्कुल सिंपल तरीके से होती है, मतलब कि इसमें ज़्यादा ताम झाम और ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती। और दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैं आपको पूजा करके दिखा रही हूँ बिल्कुल आपको भी ऐसे ही पूजा करना है, नहीं, आपके क्षेत्र में जैसे पूजा करी जाती है जितिया व्रत की आप वैसे ही पूजा करिए। बस मैं तो आपको करके दिखा रही हूँ बिहार में ऐसे करी जाती है, आपके क्षेत्र में जैसे करी जाती है आप वैसे पूजा कीजिए। तो सबसे पहले जगह की साफ़ सफाई करके चौक बना लेते हैं, मैंने बताया। और चौक कैसे बनाना है आप वीडियो में देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल तरीके से चौक मैंने चौक बनाया है। और ये चौक तो कोई भी बना सकता है, आप चाहे तो इसे भी सुंदर चौक बना सकते हैं, बस मैं तो आपको एक सिंपल तरीके से चौक बनाकर दिखा रही हूँ। और दोस्तों पूजा विधि चाहे जो भी हो, क्योंकि सभी लोग अपने अपने तरीके से जितिया व्रत की पूजा करते हैं, कुछ लोग तो इस व्रत में स्नान नहीं करते हैं और कुछ लोग स्नान करके इसकी पूजा करते हैं, तो सबके अपने अपने नियम होते हैं पूजा करने के। तो दोस्तों चौक तो बन गया, अब यहाँ पर हमने रखा है एक लोटा जल, उसमें गंगा जल और थोड़ी सी सूखी हल्दी, गीली हल्दी भी डाल सकते हैं। और उसके बाद फूल डाल देना है, फूल जो भी मिल जाए आपको आप फूल डाल दीजिए। इसमें लौंग सुपारी इलायची जो डालते हैं अक्षत, ये सब नहीं डालना है, बस हल्दी और फूल। उसके बाद ये दो आप जितिया देख रहे हो तो बेटे के नाम से जो जितिया बनती है वही जितिया है, सोने और चांदी की। दोस्तों हमारे तरफ जितने बच्चे होते हैं उतने जितिया बनते हैं, जैसे कि बेटे के लिए सोने की और बेटी के लिए चांदी की, तो आप जितिया बना सकते हैं। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, लड्डू गोपाल के बेटा मानती है, तो आप लड्डू गोपाल के नाम से भी जितिया बनवाइए। और उसके बाद कुमकुम से टीका लगा दीजिए, एक टीका लगा दीजिए। अगर टीका नहीं लगाया जाता है आपके क्षेत्र में आपके तरफ तो टीका मत लगाइए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि पूजा अपने अपने परंपरा के हिसाब से ही करनी है। और फूल चढ़ा देना है, उसके बाद लगाना है भोग। भोग में जो आपको समझ में आए, जो है आपके पास वो भोग लगा दीजिए, फल मिठाई जो भी हो। उसके बाद अंत में आरती करी जाती है, धूप दिखाई जाती है। और उसके बाद आप हाथ जोड़ करके क्षमा याचना मांगिए जितिया गोसाई से। और उसके बाद जितिया व्रत की कथा सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए। उसके बाद जब ये पूजा संपन्न हो जाए तो जो लोटे में आपने जितिया लगाई है, मतलब हमने जो जितिया लगाई उस जितिया को उठा करके आधे घंटे के बाद, पूजा के आधे घंटे बाद उठा करके, और सबसे पहले बेटे को पहनाया जाता है। बेटे को पहनाने के बाद बेटे को पहना कर छोड़ दीजिए कम से कम 1 घंटा। उसके बाद आप अपने मतलब के गले में पहन लीजिए। तो इस तरह से हमारे क्षेत्र में कराया जाता है, या फिर बेटे को पहना करके रात भर भी छोड़ दीजिए और उसके बाद दूसरे दिन आप अपने गले में पहन लीजिए। और दोस्तों आपके घर में अगर लड्डू गोपाल जी है तो आप लड्डू गोपाल के नाम से भी जितिया बनवाइए और गोसाई भगवान को चढ़ाइए। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को पहना दीजिए और उसके बाद आप अपने गले में पहन लीजिए। और दोस्तों जितिया व्रत का पारण दूसरे दिन करी जाती है नवमी के दिन, तो नवमी के दिन कढ़ी चावल बनाया जाता है। और बना करके सबसे पहले चिल्हो सियारिन को भोग लगाया जाता है, चिल्हो सियारिन को भोग लगा करके उसके बाद व्रत का पारण करा जाता है। व्रत का पारण दूध से करना चाहिए, क्योंकि सियारिन ने जितिया व्रत की पारण दूध पीकर करी थी। तो आप दूध पीकर के जितिया व्रत का पारण कीजिए, वैसे आप अपने क्षेत्र के हिसाब से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें जो मुख्य है वो दूध से ही करी जाती है। उसके बाद दोस्तों जितिया व्रत का पारण करने से पहले दान और दक्षिणा भी देनी चाहिए, दान दक्षिणा दे करके और जितिया व्रत का पारण कीजिए। और पारण करने के बाद जो अपने घर में खाना बना है कढ़ी चावल सब्जी, उसे प्रेम पूर्वक खाइए। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।